फ्रेंड्स, आज की हमारी वीडियो होने वाली है एफ कोड बार कोड के ऊपर। बार कोड एफ ही नहीं, कोई सा भी कोड हो बार कोड, उसको किस तरीके से प्ले करें। ये जो बार कोड है ना मेरे भाई, सीरियसली जो मेथड मैं बता रहा हूँ अगर उसके ऊपर प्रैक्टिस कर ली, कोई भी कोड इजिली प्ले कर सकते हो। बार कोड की बात कर रहा हूँ, आप ओपन भी लगाना छोड़ दोगे। ओपन जो कोड हो, जैसे ए माइनर है ना, आप इसको भी लगाना छोड़ दोगे। आप क्या होगे, सर मैं बारी कोड लगाऊंगा और बार कोड इतना क्लियर साउंड करेगा, ऐसा लग रहा कोई ओपन कोड बज रहा है। पता लगा लोगे कि आप ये बार कोड है, सुन के जजमेंट ही नहीं कर सकते कि बार कोड बज रहा है। आपका पता है कैसे बजता है? इस तरीके से प्ले होता है आपका, ठीक है? तो जो मैं बताऊंगा उस पर प्रैक्टिस करना। बढ़ते वीडियो में आ गए, उससे पहले अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर तो प्लीज सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर कर लेना ताकि मेरे और चैनल को मिलते रहे, बढ़ते वीडियो में आगे। तो फ्रेंड्स, अब आगे अपने क्लोजर लुक में सबसे पहले बात करते हैं अपने एफ कोड की। आपने बहुत ज्यादा सुना होगा और आपसे मैं कह रहा हूं प्ले ही नहीं होता होगा एफ कोड। अब एक बार आपका जो कोड होता है बार कोड, आपका जो बार कोड है वो किस तरीके से साउंड करता है, वो साउंड करता है आपका एफ कोड इस तरीके से। सर मैंने ना पूरी जान लगा ली, मेरे से ना बार कोड प्ले नहीं होता, पूरी जान लगा ली इसके अंदर, फिर भी इतनी गंदी सी साउंड आती है। लेकिन मैंने क्या करा है, मैंने हल्का सा प्रेस कर रखा है, मैंने हल्का सा प्रेस करा तो कैसी साउंड आ रही है? सर मैं भी हल्का सा प्रेस करूंगा तो आवाज आएगी क्या? आपकी आवाज पता कैसे आएगी? फिर जो आ रही थी ना वो भी बंद हो जाएगी। सच बता रहा हूं, एफ कोड को लगाने का क्या तरीका है मेरे भाई? पहली बात तो एफ कोड को लगाना छोड़ दो। अब ये नहीं कहूंगा भाई कुछ और ही बताने वालों में आप, नहीं, एफ कोड जो है ना उसको लगाना बिल्कुल ड्रॉप कर दो, छोड़ दो बिल्कुल। एफ कोड लगाना ही नहीं है आपको। क्यों नहीं लगाना वो मैं बताता हूं, और बहुत बड़ी चीज एक मैं वीडियो के लास्ट में बताने वाला हूं, बहुत बड़ी चीज। आप क्या होगे सीरियसली, ठीक है? तो आपको करना क्या है, सबसे पहले जो बार कोड है ना, बार कोड को एफ कोड से शुरू नहीं करना, एफ कोड से शुरू करना ही नहीं है आपका बार कोड। शुरू करना आपको जी से या ए मेजर कोड से। जी मेजर कोड ये है, ठीक है? ये है हमारा जी मेजर कोड, जी मेजर कोड ये रहा, ए मेजर कोड ये रहा। इन दोनों से हम करेंगे शुरुआत अपने कोड की। उसका क्या रीजन है चलो मैं अभी बता देता हूं, मैं आपको वीडियो के एंड तक नहीं वेट कराऊंगा। इसका क्या रीजन है मेरे यहां से प्रैक्टिस करवाने के लिए, वो ये रीजन है क्योंकि जो हमारी स्ट्रिंग्स हैं, जो हमारी स्ट्रिंग है सारी, वो जो ये नट है ना, ये वाइट वाला, ठीक है, जो ये नट है ये वाला जो है, ये यहाँ पे खिंची हुई है बहुत ज़्यादा, तो यहाँ से प्ले करना इम्पॉसिबल है एज अ बिगनर लेवल। शुरुआत में बहुत ज़्यादा मुश्किल है यहाँ से प्ले करना एफ कोड। आपके गाने के बीच में एफ कोड आ रहा है, उस गाने को छोड़ दो, उस गाने के अंदर एफ कोड लगाओ ही मत। पहले आप सीखो। बहुत सारे लोग कहते हैं सर मेरे गाने के बीच में एफ कोड आ रहा है, आप बोलते हो कि सर यहाँ से प्रैक्टिस नहीं करनी, तो सर एफ कोड कहाँ पे लगाऊं? मेरे भाई उस गाने को छोड़ दो ना, पहले सीखो। सीखते हो नहीं पहले आप ना, मुझे ये भी सिखा दो, मुझे वो भी सिखा दो, प्रैक्टिस सर जी 10 मिनट, क्या करोगे 10 मिनट के अंदर? यहाँ से एफ कोड नहीं लगाना, वो गाना छोड़ दो, पहले हम बार कोड क्लियर कर लो अपने सारे, उसके बाद सिंगिंग करना, तब मज़ा आएगा आपको। जो ये है ना, ये हमारा एफ कोड और ये हमारा जी कोड, ये हमारा ए मेजर कोड। यहाँ से जो स्ट्रिंग है ना वो बहुत ज़्यादा लूज है, अगर यहाँ से प्रैक्टिस करोगे तो मेरे भाई कोई सा भी कोड प्ले कर लोगे, बट आपको यहाँ पे ना पकड़ अच्छी बनानी है इन ए कोड पे या जी मेजर कोड पे, ठीक है? जी मेजर कोड बार की बात कर रहा हूँ, जी मेजर कोड इस तरीके से लगता है, ठीक है? ए मेजर कोड इस तरीके से लगता है,
आपको क्या करना है, बार कोड से प्रैक्टिस करनी है। ये हमारा जी मेजर कोड। मैं आपको इसके अंदर ना एक चीज़ बता देता हूँ कि ये एक टाइम लेवल वाली चीज़ है। बार कोड लगाना कैसे है उसके ऊपर भी बात करूँगा मैं, लेकिन ये वाली चीज़ है, ये आपको एक दिन के अंदर नहीं आएगी। अगर मैं आपसे बोलता हूँ कि आप एक काम करो, आप ना 24 घंटे या 20 घंटे जिम कर लो, ठीक है, आप 20 घंटे जिम कर लो, क्या आपका अगले दिन तक क्या आपकी बॉडी बन जाएगी? आप कहोगे नहीं बनेगी। मैं कहूँगा क्यों नहीं बनेगी ये बताओ। यही क्वेश्चन आपका है कि सर मैं क्या पूरे दिन प्रैक्टिस कर लूँ बार कोड की, क्या मेरे बार कोड क्लियर साउंड करने लगेंगे? नहीं, उसको टाइम चाहिए। किसी भी हाल में बार कोड एक दिन के अंदर प्ले होगा ही नहीं। इसको पकड़ बनने में ना आपका महीना भर लग जाएगा। ये नहीं कह रहा कि पूरे महीने ही प्रैक्टिस करो, बट जितनी देर भी प्रैक्टिस करते हो उसका 10 मिनट बार कोड के लिए निकाल लो अपने। ये हकीकत है यार बार कोड की, मैं सच बता रहा हूँ, ये हकीकत है बार कोड की। ये इतनी आसानी से नहीं लगता यार। सब बोलते हैं ना कि ये टिप्स है, ये ट्रिक है, मेरे भाई कुछ भी नहीं है यार, सब प्रैक्टिस का खेल है। कितनी देर प्रैक्टिस करते हो वो मैटर करता है, प्रैक्टिस का खेल है बस, और सही तरीके से लगाने का खेल है, वो भी मैं बताऊंगा। चलो बताता हूँ, थोड़ा क्लोजर लुक में आ जाते हैं और ज़्यादा, ताकि आपको मैं एक एक चीज़ दिखा सकूँ, ठीक है, कि बार कोड एक्चुअली काम किस तरीके से करता है। चलिए अब हम आते हैं अपने बार कोड के ऊपर। अब क्या है, जो कि हमारी ये इंडेक्स फिंगर है, इसे बोलते हैं इंडेक्स फिंगर, इसे बोलते हैं मिडल फिंगर, इसे बोलते हैं रिंग फिंगर, और इसे बोलते हैं हम अपनी पिंकी फिंगर। अब क्या करना है हमें, जो कि हमारी ये माइक सेट कर लेता हूँ थोड़ा सा। अब जो हमारी इंडेक्स फिंगर है, अपनी इंडेक्स फिंगर को फॉलो करो, तो इसको फॉलो करो और अपनी स्ट्रिंग को। अगर आपने जो मेथड मैं बता रहा हूँ वो भी टिप्स एंड ट्रिक ही है, अगर आपको फिंगर का पोजीशन नहीं पता तो मेरे भाई इस वीडियो से सीख लो, मैंने पहले भी वीडियो में बताया। तो आपको करना क्या है, जो हमारी ये इंडेक्स फिंगर है, देखो बार कोड जो होता है हमारा, वो हमारी 6 स्ट्रिंग ही प्ले होती है, ठीक है, हमारी होती है 6 स्ट्रिंग प्ले। अब हमने क्या कर रखा है कि एक्चुअली बताओ, जो हमारी इंडेक्स फिंगर है ना, वो हमारी किस किस स्ट्रिंग को हिट कर रही है, और इनका रोल क्या है, जो हमारी रिंग फिंगर है, जो हमारी पिंकी फिंगर है, जो हमारी मिडल फिंगर है, इनका क्या रोल है? इनका रोल ये है, ठीक है, ये हमारी कौन कौन सी स्ट्रिंग पे लग रही है पहले ये बताओ। ये हमारी स्ट्रिंग पे लग रही है, इधर कर लो, ये हमारी स्ट्रिंग पे लग रही है, एक है हमारी 5th, एक है हमारी 4th और एक है हमारी 3rd स्ट्रिंग पे हमारी ये हिट हो रही है। तो अब इंडेक्स जो फिंगर है उसका रोल क्या है, उसका रोल अब जो बची है उनको प्ले करना है, ठीक है, ये ध्यान से देखना, ये चीज़ें ध्यान से देखना। अब ये चीज़ 5th, 4th और 3rd को हिट करा हमारी पिंकी फिंगर ने, रिंग फिंगर ने और इंडेक्स फिंगर ने, सॉरी मिडल फिंगर ने। अब हमारी जो ये वाली फिंगर है ये हिट करेगी आपकी 6th स्ट्रिंग, आपकी 1st स्ट्रिंग एंड हमारी 2nd स्ट्रिंग को हिट करेगी। अब आपका ध्यान इनको तो प्ले करेगी ये तीनों फिंगर, अब जो बची हमारी 3 स्ट्रिंग वो प्ले करेगी हमारी इंडेक्स फिंगर। ऊपर वाली स्ट्रिंग का तो छोड़ दो, ठीक है, ऊपर वाली का क्यों छोड़ दो, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ना लूज स्ट्रिंग है, ये देख रहे हो, देखो ये बहुत ज़्यादा लूज स्ट्रिंग है। तो अब हमें क्या करना है, इस पर तो हल्का सा टिप करोगे ना ये तब भी प्ले हो जाएगी, ठीक है, 3 और 4 स्ट्रिंग हो गई हमारी ख़त्म। अब आती है हमारी 2 स्ट्रिंग नीचे वाली, 2 स्ट्रिंग का भी देखते हैं कि किस तरीके से प्ले होती है। ये देखिए 2 स्ट्रिंग किस तरीके से प्ले होंगी, 4 हमारी वैसे ख़त्म हो गई, 1 यहाँ से और 3 यहाँ से, और जो हमारी नीचे बच रही है 5-6, इसको ये देखिए, ये देखो मैंने किस तरीके से लगा रखा है, ठीक है, जो है हमारी ये वाली चीज़ है, ये देखो ध्यान से देखना कौन सी स्ट्रिंग मेरी कौन सी जगह पे आ रही है, ये जहाँ से मुड़ती है ना वाली फिंगर, ये यहाँ से जो मुड़ रही है, ये जो मुड़ रही है, ये देखो ये जो मुड़ रही है ना, इस पे देखो कौन सी स्ट्रिंग आ रही है, यही टिक है और यही टिप्स है इसकी, ये हकीकत है हमारे बार कोड की।
बारकोड का जो पोस्टमार्टम होता है ना, वो इस तरीके से होता है कि किस तरीके से वर्क करता है। ये हमारी इस तरीके से, ठीक है, ये हमारी कैसे प्ले हुई, ये देखिए, ये वाली जो जहाँ से मुड़ रही है ना, ये जहाँ से ये वाली चीज़ मुड़ती है हमारी, ये यहाँ से मुड़ गई। इस पे हमारी पता है कौन, ये पता है कौन सी स्ट्रिंग पे आएगी, ये हमारी स्ट्रिंग पे आएगी, सेकेंड स्ट्रिंग पे, जहाँ से ये वाली जो जो चीज़ वाली मुड़ती है हमारी, ठीक है, ये आएगी हमारी सेकेंड स्ट्रिंग पे। और जब आप नीचे मूव हो रहा है आपका हाथ, ये इस तरीके से हमारा हाथ मूव हो रहा है, तो जहाँ से भी आपका मूव होएगा ना, वो तो वैसे ही यहाँ से प्ले हो जाएगी, इस तरीके से वो तो वैसे ही दब जाएगी, वो प्रेस हो जाएगी ऑटोमेटिक। जब आपका हाथ इस तरीके से कर्व हो रहा है, इस तरीके से बार कोड थोड़ी बजाओगे, ऐसे करोगे ना हाथ को, इस तरीके से मूवमेंट होती है ना आपके हाथ की, ये देखो इस तरीके से मूवमेंट होती है ना, इस तरीके से थोड़ी होती है कि बाहर को भाग रहे तो यहाँ की ये वाली स्ट्रिंग कैसे प्ले होगी, इस तरीके से होती है ना, तो ये मुड़ते हुए ना तो ये वैसे ही प्ले हो जाएगी यहाँ से, ठीक है। आपकी जो ये वाली ये जो चीज़ है, ये जहाँ से मुड़ रही है, ये आएगी आपकी सेकेंड स्ट्रिंग पर, बिल्कुल यहाँ पर ना हड्डी होती है, ये देखो बिल्कुल टेढ़ा करके लगाना, ये नहीं कि सीधा सीधा लगा दूंगा मैं तो मैं पूरी जान लगा लूंगा ना, मुझे गिटार प्ले करना आता, मैं पूरी जान लगा लूंगा फिर भी मेरा बार कोड बजिंग करेगा, क्यों, क्योंकि इस तरीके से सीधी हमारी फिंगर नहीं लगती। पहली चीज, सीधी हमारी फिंगर नहीं लगती, हमारी थोड़ी होती है टेढ़ी करके लगती है, ठीक है। आपको लग रहा होगा कि मैंने बिल्कुल सीधी लगा रखी है, क्योंकि देखने से लग रहा है, ये देखें ये इस तरीके से, अब मैंने यहाँ पे दिखा रहा हूँ मैं, ये थोड़ी सी टेढ़ी लग रही है और सच में टेढ़ी लग रही है, अगर मैंने सीधी कर लिया तो सीधी इस तरीके से मेरे से भी प्ले नहीं होगा। तो आपको करना क्या है, ये हल्की सी ना टेढ़ी लगानी है, और जो हमारी ये वाली जो जहाँ से मुड़ती है, जहाँ पे ये वाली हड्डी है, ये आएगी हमारी सेकंड स्ट्रिंग पे, ठीक है, ये आएगी हमारी सेकंड स्ट्रिंग पे। ऊपर वाली तो वैसी प्ले होगी, और नीचे वाली तो अगर आपका हाथ नीचे से ऐसे जा रहा है तो ये स्ट्रिंग पे छूते हुए जा रहा होगा, ठीक है, ये छूते हुए जा रहा होगा, और इसको प्रेस भी करना है, ये नहीं कि भाई मैंने कुछ ट्रिप टिक और ट्रिप्स बता दी तो इसको प्रेस ही नहीं करना, बिल्कुल ढीला छोड़ देना, ऐसे भी नहीं है, क्या इस चीज़ का ध्यान रखना। अगर आपका हैंड मूव हो रहा है तो वो नीचे वाली स्ट्रिंग को हिट करती हुई जाएगी आपकी वाली फिंगर, तो आपको कितनी स्ट्रिंग बची, आपकी खाली दो स्ट्रिंग बची, एक हमारी जो यहाँ पे वाली है वो मैंने आपको बता दी, ऊपर से टिप कर देना, और ये तीन तीन स्ट्रिंग तो वैसे ही हमारी प्ले हो रही है। अब प्ले करो, और अगर आप गिटार लेके अभी भी बैठे हो और लेसन देख रहे हो, अगर आप ट्राई कर रहे हो और आप ये सोच रहे हो नहीं सर जो आप बता रहे हो उससे भी मेरी बजिंग आ रही है, तो मेरे भाई सबसे गलत मिसअंडरस्टैंडिंग है आपकी, सबसे बड़ी गलत फहमी है आपकी, क्यों, क्योंकि कोई भी गिटार उठा के वो एक दिन में नहीं सीख जाता, उसको टाइम चाहिए मेरे भाई, उसको टाइम चाहिए, आप टाइम नहीं देते हो यार। इसको मैंने क्या बोला था, इसको टाइम चाहिए, मैंने आपको बोल दिया ना कि 20 घंटे जिम करो, क्या आपकी अगले दिन तक बॉडी बन जाएगी, पॉसिबिलिटी ही नहीं है मेरे भाई, पॉसिबिलिटी नहीं है, उस चीज़ को टाइम चाहिए, उसका कोई लॉजिक ही नहीं है यार, वो बनेगी 6 महीने के अंदर बनेगी, 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर बनेगी, इसको भी टाइम चाहिए, बजिंग कर रहा है, बस इस चीज़ को ध्यान रखो, इस चीज़ को ध्यान रखो बस। अगर आपने ये चीज़ें ध्यान रख ली तो मेरे भाई 1 महीने प्रैक्टिस कर लेना बस, प्रैक्टिस भी करनी है, ये नहीं कि आप रोज गिटार उठा रहे हो 1 मिनट बजा रहे हो रख दे रहे हो, नहीं, इसको ये हमारा हाफ बार कोड, ये मत जाना भाई, क्यों, क्योंकि इसमें जो बेस स्ट्रिंग है ना वो तो आवाज ही खत्म हो गई उसकी, और जब सारी स्ट्रिंग की वॉइस ही नहीं आएगी तो बार कोड क्या, हाफ कोड तो हर कोई बजा लेता है यार, वो मत बजाना। तो अगर आपके यहाँ पे अच्छे से साउंड आ गई, जी पे आ गई, जी शार्प पे आ गई, या आपकी यहाँ पे आ गई ए मेजर पे, ए माइनर पे, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे आ गई, तब आप अपने यहाँ पे कोड पे स्विच करना। हाँ, यहाँ पे थोड़ी तकलीफ होगी क्योंकि यहाँ से स्ट्रिंग एकदम खिंच रही है, तब ये आप यहाँ पे प्रेस कर दोगे तो यार प्रॉब्लम तो होगी ना, तो यहाँ पे करना आपको प्रैक्टिस, ठीक है। और यही है टिप्स, यही है ट्रिक, और यही है आपकी प्रैक्टिस। आपको अगली वीडियो क्या चाहिए कमेंट डाउन, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर कर लेना, ताकि मेरे वीडियो आपको मिलते रहे। बढ़ते हैं वीडियो में, वीडियो एंड करनी है, मिलते हैं अगली वीडियो में।